नमस्कार, आप देख रहे हैं एनकीपी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चेन्नई टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने शानदार जीत हासिल करते हुए चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि चेतेश्वर पुजारा अगर क्रीज पर होते तो भारतीय टीम कम से कम इस मैच को ड्रॉ तो जरूर ही करा लेती, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कॉमेंट बॉक्स में पुजारा लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को इंग्लैंड की टीम ने 227 रनों से एक करारी शिकस्त दे दिया और सीरीज में 1-0 की अजीय बढ़त बना ली है। भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम को आज इस पहले टेस्ट मुकाबले के पांचवें दिन करारी हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय टीम के मध्य क्रम के बल्लेबाजों की बात की जाए तो ये मध्य क्रम के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों के आगे बीबस दिखाई पड़ रहे थे। दोस्तों, भारतीय टीम की इस दूसरी इनिंग का पहला विकेट तो कल शाम में ही गिर गया था, यानी कि रोहित शर्मा केवल 12 रन बनाकर चौथे दिन ही आउट हो गए थे और आज पांचवें दिन के खेल में भारतीय टीम 39 रनों से आगे खेलना शुरू कर दी। मैदान में बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने शुरू में तो भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत की, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने आज अपना पहला विकेट चेतेश्वर पुजारा के रूप में खो दिया। जैसे ही पुजारा आउट हुए, यानी कि 20वें ओवर में जैक लीज ने जैसे ही बेन स्टोक के हाथों पुजारा को कैच आउट कराया, समझो कि भारतीय टीम की किस्मत ही पलट गई। जी हां, पुजारा ने 38 गेंदों में 15 रन बनाए और आउट होते ही भारतीय पारी डगमगानी शुरू हो गई। हालांकि शुभमन गिल ने 50 रनों की पारी खेली और उसको आगे नहीं ले जा पाए, क्योंकि उसके बाद जेम्स एंडरसन का स्पेल शुरू हुआ और जेम्स एंडरसन ने पहले ही ओवर में शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया और उसके अगले ही गेंद पर उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को भी क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को बैकफुट पे ढकेल दिया। इसके बाद बारी थी ऋषभ पंत की। पंत से काफी उम्मीदें थी, लेकिन पंत भी आज अनुभवी जेम्स एंडरसन के शिकार बने और उसके बाद कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं बचा जो विराट कोहली का साथ दे पाए। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर राय उनसे उम्मीद थी, क्योंकि लास्ट इनिंग में उन्होंने अच्छी पारी खेली थी। इसके बावजूद वॉशिंगटन सुंदर आज जल्दी आउट हो गए और पवेलियन चलते गए। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 104 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली। दोस्तों, हमको बता दें कि इस टेस्ट मुकाबले में हार का सबसे बड़ा जो कारण रहा भारतीय टीम की पहली इनिंग में गेंदबाजी। जी हां, इंग्लिश टीम की 578 रनों की जो बढ़त थी, 578 रन इंग्लैंड की टीम ने बनाई, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों का बहुत बड़ा हाथ रहा, खासकर इनएक्सपीरियंस भारतीय स्पिन गेंदबाजी, जिसमें कि वॉशिंगटन सुंदर और शाहबाज नदीम शामिल थे। अगर रविचंद्र अश्विन को इन दोनों का साथ मिल जाता तो शायद ही भारतीय टीम इतना बड़ा स्कोर इंग्लैंड को बनाने देती। दोस्तों, आपके मुताबिक क्या कुलदीप यादव अगर टीम में होते तो भारतीय टीम का मंजर कुछ और होता? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन खबर के साथ, तब तक देखते रहिए एनकीपी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल।